हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास में हम सीखेंगे मेल मर्ज। लिब्रे ऑफिस राइटर में कैसे किया जाता है उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट्स को दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर हमारा नोट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेल मर्ज किसको भेजा जाता है, मेल मर्ज का काम क्या है। मेल मर्ज का काम तब लगता है जब आप एक ही मेल को कई व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं। यानी कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं और आपकी कंपनी में कम से कम 500 व्यक्ति को क्या करना है, आपको मेल टाइप कर मेल भेजना है। ठीक है, कोई मैसेज भेजना है तो उसके लिए आपको मेल मर्ज का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर आपका स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ओपन करेंगे नया डॉक्यूमेंट और मेल को टाइप कर लेंगे। यानी नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपको मैसेज टाइप करना है जो आपको सबके पास भेजना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल्स मेनू में जाना है, वहाँ पर आपको मिलेगा आपको मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर ओपन होगा मेल विजार्ड का डायलॉग बॉक्स, उसमें आपको मार्किंग करना है यूज द करंट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर। पहले मैं इतना कर लेता हूँ, तो चलिए राइटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम, ये हमारा राइटर है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक मैसेज टाइप करके रखा हुआ है, यहाँ पे टू लिखा हुआ है। अब यहाँ उन व्यक्तियों का नाम लिखना है जिन लोगों के पास भेजना है, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे, हम मेल मर्ज में एक एक करके ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमने मैसेज राइटर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मेल भी टाइप कर लिया है, टूल्स मेन्यू में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये खुल गया मेल मर्ज विजार्ड डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर आपको क्लिक करना है पहले वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर कई ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन के बारे में बताते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूज द करंट डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये होगा कि जो आपने मैसेज टाइप किया है अभी, क्या इसी मैसेज को भेजना चाहते हैं, अगर हाँ तो पहले वाला उसमें क्लिक करेंगे, या जिसके बाद नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसमें मैसेज टाइप करेंगे तब भेजेंगे, तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन यूज करना होगा, या आपने मैसेज 2 दिन पहले आपने बना के सेव करके रखा हुआ है उसको भेजना चाहते हैं, उसके लिए आपको तीसरा ऑप्शन चालू क्लिक करना होगा और ब्राउजर चाहिए उसको ओपन करना होगा, या आपने मैसेज को टेम्पलेट में सेव करके रखा हुआ है तो इस पर आप ऑप्शन में क्लिक करके आप यहाँ से ओपन करना होगा, या आपने जल्दी बना के तुरंत सेव किए हैं तो इसके लिए आपको लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से ओपन करना होगा। तो इस हो गए चारों ऑप्शन के बारे में। तो इस तरीके से हमारा जितने ऑप्शन थे आप लोग समझ चुके होंगे। हमको क्या करना है कि जो हमने मैसेज अभी तुरंत टाइप किया हुआ है इसी को भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब फिर अगला ऑप्शन मिल गया लेटर ऑप्शन और ईमेल ऑप्शन। आपका जो मैसेज होगा या जो आपका लोगों के पास मैसेज आएगा किसके थ्रू जाए, लेटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू जाए, तो हम इसको पहले हम ईमेल के थ्रू नहीं भेजेंगे, लेटर के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, पहले इसको करके देखते हैं, बाद में इसको हम समझेंगे ईमेल वाला। ठीक है, तो हम लेटर पर क्लिक करके फिर करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। ये सारा स्टेप आपका लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ स्टेप में जा करके, यहाँ पर नोट्स में यहाँ तक हमने समझा था। अगला करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ था पहले लेटर ऑप्शन क्लिक करना होगा, फिर आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना होगा, फिर आपको एड्रेस ब्लॉक का लिस्ट खुलेगा। अब उस एड्रेस ब्लॉक लिस्ट में उन व्यक्तियों का नाम लिखना है जिन व्यक्तियों के पास आप लेटर भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके कंपनी में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों का लिस्ट कहीं ना कहीं बना होगा, उनका रोजाना अटेंडेंस लिया जाता होगा, तो वहीं से उनका नाम उठाना है, मोबाइल नंबर लेना है, एड्रेस लेना है और मेल को टाइप करके भेज देना है। ठीक है, तो चलिए कम से कम 4 लोगों का बना देते हैं। तो बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको क्लिक बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ मिलेगा आपको डायलॉग बॉक्स, उसमें आपको फुलफिल करना है टाइटल, नेम, एड्रेस, जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा सब भर के उसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति का अगर लिखना है फिर आप न्यू पे क्लिक करके दूसरे व्यक्ति का, तीसरे व्यक्ति का ना फिर न्यू पे क्लिक करके तीसरे व्यक्ति का, इस तरीके से आप मेल मर्ज के अंदर ही आप लिस्ट बना करके आप उसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद लास्ट में ओके कर देंगे। ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट को सेव करके ओके कर देंगे। तो चलिए इतना पहले कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर हमारा खुला हुआ है। अब यहाँ से आपको लिस्ट बनाना है, तो आपको क्लिक करना है सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट पर, इस पर क्लिक करेंगे। और अगर पहले से बना बनाया हुआ है तो आप यहाँ पर खुल जाएगा, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं इसके बाद बनाएंगे तो बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हमारा पहले से बना बनाया हुआ है इसको नहीं करेंगे, आप लोग को एक स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको देखेंगे लंबी लिस्ट खुल गई जिसको भरना है पूरा। आप चाहते हैं कि पूरा नहीं भरेंगे, जितना हमें जरूरत है उतना ही भरेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके आप उतना ही ले सकते हैं जितना आपको जरूरत है। तो कस्टमाइज पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर,
और यहाँ से जितना चाहिए उतना रखिए, बाकी सब डिलीट कर दीजिए। तुमको टाइटल नहीं चाहिए डिलीट कर दीजिए, हमें को फोन नेम नहीं चाहिए या सू नेम नहीं चाहिए इसको डिलीट कर दीजिए, कंपनी नेम नहीं चाहिए डिलीट कर दीजिए, एड्रेस वन चाहिए एड्रेस टू नहीं चाहिए डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट टाउन नहीं चाहिए, कंट्री नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, या तो ये भी नहीं चाहिए, हमको इतना चार ऑप्शन चाहिए। ठीक है, तो चार ऑप्शन हम लिख करके ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फार्म था वो छोटा हो गया। ठीक है, अब फार्म छोटा हो गया तो आप आपको भरने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर नाम डालेंगे, नाम डाल दिया अनिल, एड्रेस डाल दिया मस्कनमा, यहाँ डाल दिया मैंने मोबाइल नंबर उनका, यहाँ डाल दिया मैंने फिर ईमेल एड्रेस, उसके बाद इनका हो गया जेंडर मेल। ठीक है, फिर आप दूसरे व्यक्ति का भरना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करके दूसरे व्यक्ति का भरिए। यहाँ पर राकेश हो गया, यहाँ पर एड्रेस मनकापुर हो गया, बिजनेस टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस हो गया, फिर उसके बाद इनका मेल हो गया। फिर आप तीसरे व्यक्ति का है न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अंकित हो गया, एड्रेस लखनऊ, यहाँ पर हो जाए ईमेल को बना लिया है, चार लोग बना करके आप ओके कर लीजिएगा। और आपको और भी ऐड करना है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, आप ओके करिएगा इसको और इसको आप सेव कर दीजिएगा। तो लिख दिया मैंने यस स्मार्ट, ठीक, और इसको मैंने सेव पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आपका स्मार्ट नाम से आ गया, यहाँ पर इसको करेंगे ओके। अब यहाँ पे आपका देखेंगे नीचे जो चार नंबर ब्लॉक हैं जो लिखी हुई है कुछ आपके मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मोर पे क्लिक करना होगा या इस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ भी मैच नहीं हो रहा है, यहाँ भी मैच नहीं हो रहा है, मोर पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हमने जो जो लिया था वो आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या लिया था, यहाँ पर हमारा सुनेम नहीं था, ठीक है, इसको हटा दीजिए ऐसे, यहाँ से जेंडर था, एड्रेस भी था, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन, बिजनेस, कंट्री था। ठीक है, यहाँ पे आपका ये नाम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आ गया, और इसमें से हमारा और कुछ था और आपका जो है कंट्री इसमें नहीं था, इसको हटा देता हूँ बस। अब देखें यहाँ पर जो हमारा था वो टोटल आपका मैच हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम नाम डालेंगे ऊपर, यहाँ से ऊपर कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है, उसके बाद जेंडर हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर आपका सही लग रहा है इसको सही करके, अगर सही लगा तो ओके कर दीजिएगा, आपका हो गया। ठीक, यहाँ से करेंगे ओके और फिर करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। फिर मिलेगा आपको यहाँ पर कुछ क्रिएट सिचुएशन ऑप्शन, तो इसमें आप जैसा आप ऐसा रहने दीजिएगा और यहाँ पे आपको आपका सही हो जाएगा। फिर आप करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, इसको थोड़ा अप करेंगे, हेलो वाला आ गया हेलो यहाँ पर। ठीक, बाकी सही है, डाउन थोड़ा कर दीजिएगा और फिर लास्ट में फिनिश करेंगे जैसे ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और हेलो आपका यहाँ आ गया है, इसको कट करके आप कंट्रोल एक्स करेंगे, इसको उठा करके यहाँ डाल देंगे। ठीक है, और बाकी सब सही है, यहाँ पे क्लिक जहाँ इसको सेट करना चाहता है वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, हेलो आपका नीचे रह दीजिए नीचे ही, और जैसे इसको आप करेंगे यहाँ नया आपका खुल जाएगा टूल बार। ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको सेव मर्ज डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, कह रहा है कि जितने व्यक्तियों का नाम बनाया हो सबको एक ही पेज से करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन, अलग अलग से करना चाहते हो दूसरा ऑप्शन, किसका सेव करो किसका नहीं करना चाहते हो, कहाँ से सेव करना चाहते हो तो तीसरा ऑप्शन, तो हम चाहते हैं कि सबका एक साथ इकट्ठा सेव हो जाए तो पहला ऑप्शन क्लिक करके आप सेव डॉक्यूमेंट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप नाम डाल देंगे, मेल या जो आपको डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैं डाल देता हूँ स्मार्ट, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया मैंने, सेव कर दिया, सेव हो गया। इस डॉक्यूमेंट को आपको छोड़ देना है, मिनिमाइज कर देना है यहाँ से, मिनिमाइज करने के बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट नाम से मिल जाएगा, इसको ओपन करेंगे। जैसे इसको ओपन करेंगे आपका देखेंगे जो आपका नाम था यहाँ ऑटोमेटिक शो करने लगेगा
और सब में आपका मेल ही लिखा रहेगा। नीचे भी जाएंगे देखेंगे यहाँ पे आपका दूसरा है, दूसरे व्यक्ति का मेल आपका सेम वही लिखा हुआ है, तीसरे व्यक्ति का नाम यहाँ आ गया, यहाँ पर आपका नाम वही लिखा हुआ है, चौथे व्यक्ति का नाम वही आ गया और मेल वही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप प्रिंट करवा के आप लेटर को भिजवा सकते हैं उनके एड्रेस पर।